देश के कोने कोने से दो दिवसीय नेशनल बिजनेस समिट में हिस्सा लेने आए व्यापारियों ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की खट्टर सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार ने नीतियों में बदलाव न किया तो वो अमेजन और फ्लिपकार्ट के दफ्तरों में ताला लगा देंगे। साथ ही व्यापारियों ने केंद्र की मोदी सरकार से पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में लाने की मांग की है। हरियाणा के व्यापारियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से 5 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में प्रॉपर्टी टैक्स की दरें कम करने, छोटे व्यापारियों को कम दरों पर ऋण देने, पेट्रोल डीजल पर वैट की दरें कम करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कैमरे लगवाने की भी मांग की है। इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने गुलशन नंद, संजीव चौधरी, अशोक कुमार और पवन अग्रवाल से। व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर 2 दिन का बिजनेस समिट का आयोजन किया है। इनकी क्या समस्याएं हैं और हरियाणा सरकार से इनको क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि 5 मार्च से हरियाणा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस समय मेरे साथ हैं गुलशन डंग, इनसे जानते हैं। जी गुलशन जी नमस्कार। जी मैं राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि जिस तरह हमारा व्यापार, खुदरा व्यापार बड़ी बुरी तरह प्रभावित हुआ है, उसको लेकर हमारे जो खुदरा व्यापारियों के जो पहले टैक्सेस हैं, चाहे प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, उनकी दरें घटाई जाएं, और उसके अलावा हमारा जो ऋण, जो एक छोटा व्यापारी काफ़ी प्रभावित है, उन कम ब्याज के ऊपर ऋण मुहैया करवाई जाएं। इसके अलावा एक हमारा एक मेन मुद्दा राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर है, उसके अंदर नीतिगत फैसले लेके इसके ऊपर बजट बनाना चाहिए। वो कैमरे जो है लोकल लेवल पर उसकी मॉनिटरिंग राज्य सरकारें करें, इसके ऊपर भी एक विशेष विज़न होना चाहिए कानून व्यवस्था को लेकर भी। ये एक बड़ा मुद्दा है। और तीसरा हमारा एक बीमा को लेकर है कि राज्य सरकार ने पूर्व में जो बीमा पॉलिसी बनाई थी व्यापारियों के लिए, उसमें 38 करोड़ रुपए का बीमा कंपनी को पे किया था, और व्यापारियों को जिनके प्रभावित होते हैं उनके जो भी कोई नुकसान हुआ है आज तक 38 रुपये भी उनको नहीं मिले हैं। व्यापारियों को GST से क्या प्रॉब्लम है और GST हर सामान पर क्या होनी चाहिए, ये भी हम जानते हैं। जी मैं संजीव चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा। देखिए आज की तारीख में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। ये अभूतपूर्व कीमतें हैं जो इस देश में कभी नहीं हुई। हमारे पड़ोसी देश जो हमारे से डीजल और पेट्रोल मंगाकर बेचते हैं, उन देशों में कीमतें कम हैं। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूँगा कि जी इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को GST के दायरे में लाए, या आगामी 5 तारीख को जो बजट सेशन हरियाणा प्रदेश का शुरू हो रहा है उसमें हम हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये चाहेंगे कि अगर केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों को अपने GST के दायरे में नहीं लाती है तो इसको प्रदेश का जो वैट है वो कम किया जाए, ताकि आम उपभोक्ता को भी राहत मिले और पेट्रोल पम्प डीलर्स को भी उनको व्यापार करने में सुगमता रह सके। व्यापारियों ने आज की बैठक में अमेज़न और फ्लिपकार्ट के खिलाफ भी मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। व्यापारी अमेज़न और फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट क्यों मोर्चा खोलने जा रहे हैं, इस समय मेरे साथ हैं अशोक कुमार, इनसे जानते हैं। जी अशोक कुमार, अमेज़न और फ्लिपकार्ट की जब बात आप कर रहे हो उसमें हमारा ये कहना है कि जो ई कॉमर्स बिजनेस जो चल रहा है, अभी एक ट्रेंड चला है पूरे देश में जो ऑनलाइन परचेजिंग हो रही है आम जनता की, उसमें टैक्स के अंदर जो है लिबरल पॉलिसी बनानी चाहिए। जो आम दुकानदार जो मोहल्ले में बैठा है, दुकानदार, छोटा छोटा दुकानदार, खुदरा दुकानदार, उस दुकानदार से कौन खरीदेगा जब वो ऑनलाइन उसको मिल रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं सरकार से कि पॉलिसी ऐसी बने ताकि उनके प्राइस और आम जो खुदरा व्यापारी उनके प्राइस सिमिलर हो जाए, उसके लिए उनको एक्स्ट्रा टैक्स के दायरे में लाना चाहिए ताकि आम जो छोटा व्यापारी है, आम जो खुदरा व्यापारी है, उसको फ़ायदा मिल सके और उसकी भी सेल हो सके। जब हमारा वो खुदरा व्यापारी को सेल होगी तभी तो हम लोग रोज़गार की जो अब समस्या से हम लोग सामना कर रहे हैं उससे निजात पा सकेंगे। आज दुनिया भर की दुकानें आज रोज़ाना बंद हो रही है, हर प्रोडक्ट की दुकान बंद हो रही है, उसके पीछे लॉजिक यही है कि जो बिजनेस हमारा है वो डाइवर्ट हो रहा है ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर, तो इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अशोक जी, क्या आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट के दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन या कुछ ऐसा भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं? हम लोग ऐसा कदम उठाएंगे। पहले हम भारत की सरकार से, हरियाणा की सरकार से निवेदन करेंगे कि उनको टैक्स के दायरे में लेके आएं और उसके लिए कोई एक पॉलिसी बनाए। अगर वो पॉलिसी नहीं बनाती है तो हम इस तरह की
काम करने में भी गुरेज नहीं करेंगे। अमेज़न के और फ्लिपकार्ट के दफ्तरों पर प्रदर्शन भी करेंगे, उनके दफ्तरों को ताला भी लगाएंगे। आज इस बिजनेस समिट में किस तरह की समस्याएं आई हैं ये भी इनसे जानते हैं। जी कैसी समस्याएं हैं आपकी? मैं पवन अग्रवाल, महासचिव हरियाणा जन उद्योग व्यापार संगठन। सबसे पहले तो टोटल टीवी का धन्यवाद। ये जो दो दिवसीय बिजनेस समिट है ये कार्यशाला है व्यापारियों की समस्याओं को जानने के लिए, और एक ही माध्यम बनेगा सरकार और व्यापारियों के बीच, व्यापारियों की बात सरकार तक पहुंच सके। और आने वाला जो बजट 5 मार्च को हरियाणा का है उसमें हम ये समस्या हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री जो कि वित्त मंत्री का भी प्रभार संभाले हुए हैं उनके संज्ञान में लाएँ, और हमें जो भी समस्या डे टू डे वर्किंग लाइसेंसिंग टैक्सीज या MSME से जुड़े हुए जो भी लाभ हैं व्यापारी तक पहुँचे, खुदरा व्यापारी तक पहुँचे, क्योंकि छोटा व्यापारी इस सुविधाओं से वंचित है। और इसका जो एक मिडल मैन के रूप में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन काम करेगा और सरकार को व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराएगा। ये थे मेरे साथ बिजनेस समिट के आयोजक, जिन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को बताया है। इसके साथ साथ उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि जो 5 मार्च को हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, बजट से इनको सरकार से काफ़ी उम्मीद है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट से छोटे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। वहीं इन्होंने ऐलान किया है कि अगर सरकार ने नीति में बदलाव ना किया तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।